सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा की सरबराही में डिवीजन बेंच 15 सालों तीन एक्साइज वाले खाते जो कलमदान रखड़ अगूणे सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की हिफाजती जमानत मंजूर कर वरती है। अदालत नेब के नोटिस जारी कर 12 सेप्टेंबर से जवाब तलब कर अदालत इन इंक्वायरी में मुकेश कुमार चावला के फिलहाल गिरफ्तार न करण जो हुक्म दिनो है। इन गडो गड अदालत मुकेश कुमार चावला के भी पाबंद किया तो इन इंक्वायरी में नेब से मुकम्मल सहकार कह अज थोड़ी देर अग जो मुकेश कुमार चावला पांजे वकील मुनीर मलिक के जरिए सिंध हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत लाए दरख्वास्त दाखिल कराई और वो पान भी अदालत में पेश तो मुख्य इन वकील ये मौकफ अख्तियार किया तो गुजरल दिन नेब जो है सो एक इंक्वायरी में जका एक्साइज खाते के मुख्तलिफ ऑफिसर प्राइवेट मानन के खिलाफ इनिशिएट कल है उनमें जो सो मुकेश कुमार के घर से छापो हो उनकी गिरफ्तारी जो खदशो है जैसे अदालत उन पुछो तो इंक्वायरी में मुकेश जो नालो शामिल है जैसे वकील चो तो इन इंक्वायरी नोटिस में तो अना तीन जो सो उन जमरे में ना आयो पर जो सो उनके मुख्तलिफ ऑफिसर के नोटिस जारी थे उनमें मुकेश कुमार जो नालो शामिल है डायरेक्ट मुकेश कुमार के नोटिस जारी न किया है इन उनकी गिरफ्तारी जो खदशो है। जैसे अदालत मुकेश कुमार चावला की 12 सेप्टेंबर तीन हिफाजती जमानत मंजूर कर वरती है इंदड़ बुधनी से नेब के नोटिस जारी कर तफसील तलब किया जी।